नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। गेहूं फसल की बुआई के बाद हरियाणा में किसानों को जहां पहले डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा था, वहीं अब किसानों को यूरिया खाद के लिए भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगह किसानों को यूरिया बैग लेने के लिए सुबह से ही एकदम तड़के उठकर ही लाइनों में लगना पड़ता है। बावजूद इसके किसानों को यूरिया खाद नसीब नहीं हो रही। सवाल उठता है ऐसे में कि प्रदेश से यूरिया खाद की किल्लत आखिर क्यों नहीं खत्म हो रही है, क्यों नहीं दूर हो रही है, और यह सिर्फ यूरिया खाद की किल्लत है या कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग है क्या? ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई है। फतेहाबाद, रतिया, उचाना की ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यूरिया खाद को लेकर किसान बेहद परेशान है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा। रतिया में तो नारेबाजी करके इन्होंने सरकार के प्रति अपना रोष भी दिखा दिया है। उचाना में लंबी लंबी कतारों में बैठने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में ये कहने लगे कि अपने चहेतों को दे दिया गया, जरूरत से ज्यादा दिया गया, लेकिन हम कतार में बैठे के बैठे रह गए और बैरंग लौटना पड़ रहा है। एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ। फतेहाबाद, रतिया, उचाना की तस्वीरों को दिखाते हुए फोन नंबर्स भी दिखा रहे हैं। जुड़िए और अपने विचार इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। यूरिया पर हाहाकार क्यों? यूरिया पर हाहाकार कौन है जिम्मेदार? कब खत्म होगी यूरिया खाद की किल्लत? प्रशासन कब लेगा मामले की सुध? क्यों दूर नहीं हो रही है खाद की किल्लत? यूरिया की किल्लत है या यह कालाबाजारी है? आपको क्या लगता है? कैसे खेती करेंगे किसान अगर ऐसे ही चलता रहा तो? वक्त पर खाद पानी नहीं देंगे तो क्या फसल उगेगी और क्या वो मंडी में पहुंचाएंगे? क्या आप और हम खाएंगे? क्यों दूर नहीं हो रही है खाद की किल्लत? कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। इन सवालों को हम ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन तक भी पहुंचा रहे हैं। क्या आपके जहन में भी ये सवाल नहीं उठ रहे, कुछ और सवाल उठ रहे हो तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। इन सवालों का क्या जवाब आपके समझ में आता है हमें जरूर बताइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। किसानों के लिए जुड़िए, जरूर फोन कीजिए। यह मंच आप सबका है, आपकी आवाज इस मंच की सार्थकता है। यूरिया खाद को लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, जहां पर किसान कह रहे हैं कि बहुत परेशान हो गए साहब, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया हमें नहीं मिल रही है। कहीं ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लग रहा है तो कहीं ये कहा जा रहा है कि पीछे से ही नहीं आया तो दे कहां से। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। गेहूं की फसल की बुआई के बाद हरियाणा में किसानों को जहां पहले डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा था, अब किसानों को यूरिया खाद के लिए भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगह किसानों को यूरिया बैग लेने के लिए सुबह ही लाइनों में जाके लग जाना पड़ता है, बावजूद इसके उन्हें यूरिया नहीं मिलती। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश से यूरिया खाद की किल्लत आखिर क्यों नहीं हो रही है दूर, और यह सिर्फ यूरिया खाद की किल्लत का मामला है या कालाबाजारी? आपको क्या लगता है? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जरूर फोन कीजिए, यह मंच आप सभी के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज मंच आप सबके लिए, जा खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। यूरिया खाद पर किसानों की परेशानी को किस तरह से देख रहे हैं? आपके आसपास किस तरह के हालात है? क्या किसानों को यूरिया खाद मिली? जरूर जुड़िए। यूरिया पर हाहाकार कौन जिम्मेदार? आपको क्या लगता है? नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए और अपनी राय हम तक आप जरूर पहुंचाइए। गेहूं की फसल की बुआई के बाद से ये परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले डीएपी को लेकर बहुत अफरा तफरी देखी गई, बहुत परेशान होना पड़ा किसानों को, अब यूरिया नहीं मिल रही है तो हाहाकार मचा है। हाहाकार क्यों? क्या कर रही है सरकार? क्यों कहा जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है? अगर नहीं है तो ये नारेबाजी क्यों, ये नाराजगी क्यों? कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे क्यों हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी जुड़िए, इन सवालों का जवाब आपके समझ में क्या आता है, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। क्यों दूर नहीं हो रही है यूरिया खाद की किल्लत? नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए और अपने सवाल जरूर यहां पर पहुंचाइए। आपकी प्रतिक्रिया का यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
लगातार नंबर्स दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं, जरूर फोन करें, कार्यक्रम का हिस्सा बने। कई जगह यूरिया खाद की किल्लत है, यूरिया खाद को तरस रहे किसान, घंटों लाइन के बाद भी नहीं मिलती खाद। कालाबाजारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, लिमिटेड यूरिया अनलिमिटेड परेशानी, करे तो क्या करे किसानों की हर बार की क्या यही हो गई है कहानी। यूरिया पर हाहाकार, आखिर कौन है जिम्मेदार, कई सवाल उठ खड़े हुए इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी, कब खत्म होगी यूरिया की किल्लत, ये बड़ा सवाल है। यक्ष प्रश्न तो नहीं हो गया ये, जिसका जवाब ही नहीं मिल रहा। प्रशासन कब लेगा मामले की सुध, ये बड़ा सवाल है। एक दर्शक जुड़े हैं, देवेंद्र ने फोन किया, देवेंद्र बोलिए, देवेंद्र फोन पर हैं आप। मैडम राम राम। राम राम बोलिए। देखो जी, हमारा हरी का हरियाणा और तो दूध दही का खाना, और हरी का मतलब यो है भाई हरिया भरिया हरियाणा, तो हरिया भरिया हरियाणा तो तब खाद भी सरकार को सोचेगी समझेगी इनके इसके दिमाग में आओगी, क्यों खाद की जरूरत है, फसल में बहुत बड़ी जरूरत है। एक जुकर मरे और आदमी ने जीवन के तय एक गोली चाहिए, तो हमने खाद चाहिए, ये भी खाद तो देती नहीं है सरकार, ताना साई अपना रही है, कदा कोरोना का डर है, कदा क्या का डर है, हमारा या देश में सरकार बर्बाद करेगी, हमने जब फसल का ही यूरिया खाद मिल जाए तो हमारी फसल जो बर्बाद होने तो बच जा, धरती पुत्र अंदाता है, हम देश में जीवाओ है, सब ने फसल की जरूरत है, गेहूं की सब ने जरूरत है, गेहूं की रोटी सब खाओ ये नहीं खाते, इवन हमने फसल में जब गेहूं में खाद मारन का ही मिल लगा, जब हम फसल न बचा पाओगे, जब हम देश न बढ़ा पाओगे, जब फसल मिलेगी, सरकार सोचती समझती को ना, हमने खाद की जरूरत, हम भटकते अंडे हैं, मिलता है को ना खाद, खाद किसी भी कीमत पर मिलता जाओ, कम से कम मरती और फसल तो ना देखी जा, किसान तो ही फसल बेटे तो भी बढ़ गए है, क्योंकि बेटे तो बढ़ करने को भाई खानता ही भी जरूरत हो है, जीवनता ही भी जरूरत हो रहा है, बचानता ही जरूरत है, खाद मिल नहीं रहा मैडम, इतने कल्डे दुखी हो रहे हैं, सारी मेहरबानी होगी तुमने इतनी बड़ी आवाज उठाई है, किसाना की आवाज उठाने पर थारा बहुत बहुत धन्यवाद, और हम तो हरियाणा न्यूज का भी धन्यवाद, क्योंकि हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है, जो एक ऐसा चैनल है जो हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है और हरियाणा की बात उठावे है, यदि थारा थारे थारे परिवार का जरूर धन्यवाद करेंगे, किसाना की बात करो तो हम हर एक मुद्दा नाम आपके चैनल बहुत बढ़िया डाला देखा ही भी देखने लग रहे जाती आपसे बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आगे भी जरूर जुड़िएगा, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी, फोन कीजिए जरूर, अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव नमस्कार बोलिए। जी मैडम नमस्कार, मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश भर में खाद की भारी किल्लत हो रही है और सरकार जो प्रशासन है वो लगातार ये कह रहे हैं किसान कहीं परेशान नहीं है, आज कोई मैं अपने जिले की बात, फरीदाबाद में किसान इतने परेशान हैं, सुबह करीब 5 बजे लाइन में लगते हैं और शाम तक उनका नंबर नहीं आता है, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो विक्रेता हैं खाद के वो अपने चहेतों को जो पर्ची वगैरह होती है वो दे देते हैं, उनको खाद मिल जाता है, बाकी जो किसान है वो घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उनको खाद मिल पाता है। मैं प्रशासन से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो विक्रेता हैं खाद के वो घपलेबाजी जो कर रहे हैं, जो अपने चहेतों को खाद बांट रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर ध्यान दे और जो किसान जो सुबह से ठंड में जो 5 बजे से लाइनों में लगते हैं उनको खाद दिलाए कैसे भी करके। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, बहुत शुक्रिया, इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर था आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से फोन किया है, प्रेम बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुल्लम खुल्ला काला बाजारी है, आप जाइए वहाँ पे, जो आदमी जो बोरी यहाँ से गवर्नमेंट दे रही है उसकी जगह आप ब्लैक में चाहे जितनी बोरियां ले लीजिए, गवर्नमेंट को भी पता है, और वहाँ कृषि मंत्री ये बोल रहे हैं कि यहाँ खाद की कमी नहीं है, अरे टोटा तो किया हुआ इन्होंने ही, अननेसेसरली फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना ये भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार खर्ची पर्ची नहीं है तो और क्या है ये देश में, देखिए हरियाणा में खाद के लिए कभी इतनी लाइनें लगनी चाहिए क्या, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इसी पर ध्यान देना चाहिए, आगे आने वाले अगर हमारी फसलें नहीं होगी तो उससे हमको फायदा क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, और चीजों में वो ध्यान दे रहे हैं, इनको तो सोचना चाहिए, अगर काला बाजारी है तो उसको रोकना चाहिए, अगर उसने सरकार उसी के साथ मिलकर ये काला बाजारी कर रही है तब दूसरी बात है, या किसी से बदला लेने के लिए
सरकार खाद नहीं दे रही है तो वो दूसरी चीज है, लेकिन अगर देश के साथ में तो ये बहुत बड़ी खराबी हो रही है ना कि खाद नहीं सप्लाई हो रही है तो हमारी फसलें कैसे होगी, इसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये, तो ये सोचने की चीज है मैम। बिल्कुल सोचने की चीज है, खाद नहीं तो फसल कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो किसान भी पूछ रहे हैं और उनको इसका जवाब मिलना चाहिए। इनके तरह आप भी जुड़े हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है, पृथ्वीराज जुड़ गए हैं। पृथ्वी बोलिए। मेरे इस बारे में ये कहना है कि हमारा देश लगा लीजिए, राज्य लगा लीजिए हरियाणा की, जो आप आवाज उठाते हो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम हमारे हरियाणा लगा लो या पूरा देश के अंदर, सिवाय प्रदर्शन के और कुछ भी कोई कार्य हम नहीं कर सकते। अगर किसी की कोई भी समस्या है बिगर प्रदर्शन के हमारी सरकारें उनकी सुनाई देती ही नहीं है। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहां पर अभी एक साल तक आंदोलन चला था किसानों का, बिगर आंदोलन बिगर प्रदर्शन किसी इंसान को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो सकता, ना उनकी मांगे पूरी हो सकती। इसमें गलती क्या है, हमारी खुद की है मैडम, हमारी गलती खुद की है, क्योंकि हम अपने अपने जिले का ऐसा विधायक सांसद चुन लेते हैं जो कि हमारे पास पास का नहीं होता, जो कि हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकता, जो कि हमारे बीच का नहीं होता, जो कि उसको अपनी हमारी मजबूरियों के बारे में पता नहीं होता, ऐसा सांसद हम चुन लेते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी गलती हमारी है, जनता की है। मैं सभी जनता से अपील करूंगा, अपना कोई भी विधायक सांसद आप चुनते हो, आप अपने बीच का विधायक सांसद चुनिए ताकि वो आपकी समस्या सुने। ये समस्या आप तक, आपकी समस्या ये रहे ही ना, लेकिन हम भी कहते हैं पैराशूट से आते हैं सांसद विधायक और कहीं से भेजते हैं, पैसे वाली पार्टी होती है वहीं से टिकट लेके आते हैं, डायरेक्ट उसको चुन लेते हैं, किसी एक के नाम पे चुन लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, विधायक कोई भी हो, सांसद कोई हो, वोट उसके नाम पे डालते हैं। ऐसा जब होता रहेगा तो देश में प्रदर्शन होना ही है, तो ये लाजमी है। अभी आप भी देख रहे हैं कि सिर्फ आपका चैनल जो किसानों की आवाज उठा रहा है इस टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके चैनल जैसे सभी चैनल स्वतंत्रता हो जाएं, ऐसे हर एक आम, जैसे आप स्कूल का मुद्दा उठाते हो, मैं देखता हूँ रोज आपके चैनल को, कई बार आपका फोन नहीं मिलता वो एक अलग बात है, लेकिन मैं रोज देखता हूँ हरियाणा न्यूज को कि आप हमेशा इंसान कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा आप उठा करके जनता के सामने लेकर के आते हो। क्या ऐसा चैनल आज के जो ये चैनल बड़े बड़े चैनल है जो वो ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर सकते, वो उनकी हिम्मत नहीं इतना करने की जैसा कि आप कर रहे हो इस ऐसे माहौल के अंदर भी। तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, और बिगर आंदोलन हमें कुछ नहीं मिलता था। मैं जनता से अपील करूंगा अपना विधायक सांसद अपने बीच का चुने, मेरी ये सोच है। आप क्या सोचते हो वो आपके पर निर्भर करता है कि आप प्रदर्शन करना चाहते हो या अपना बीच में से अपना विधायक या सांसद जो भी आप चुनना चाहते हो उसको चुन सकते हो। मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसको ध्यान में रखना। जय भारत। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने कई सारे पॉइंट्स रेज कर दिए हैं, इनके बातों से आप कितना सहमत है? जुड़े हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज से मंच, हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी का साथ रख सकते हैं। कॉल कीजिए बिना वक्त गवाए, बहुत कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में, जरूर जुड़िए और अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित कीजिए। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम फसल की बात कर रहे हैं, हम यूरिया की बात कर रहे हैं, हम खाद की बात कर रहे हैं, हम किल्लत की बात कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि किल्लत है या कालाबाजारी, अगर है तो हम कालाबाजारी की भी बात कर रहे हैं। कब खत्म होगी यूरिया की किल्लत, यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी, क्या लगता है आपको? हरियाणा की आवाज में जुड़िए और दीजिए अपनी राय। तरसेम जुड़ गए हमारे साथ। तरसेम बोलिए। बोलना क्या मैडम, जिनके जो नया एमपी है उन्हीं के खाद ये भंडार है। देना क्या नहीं, उन्हें दवाई ला के देनी, कभी फूट वाली देनी, कभी सल्फर देना, कभी थाइमेट देनी, जिस चीज की जरूरत नहीं है साथ में ला कर देनी। जितने का यूरिया इकट्ठा है उसे डेढ़ गुना दवाई का पैसे हैं, तो क्या करेंगे इसका? आपको क्या लगता है सर, क्या समाधान हो सकता है? समाधान क्या था जी, कितना कहा है विधायक, हमारे विधायक के पास ही एजेंसी है खाद की दुकान, तो क्या कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं लोग? सर बेचारगी से काम नहीं चलेगा ना, कि विधायक के पास ही एजेंसी है तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कंप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तक तो खाद पहुंचना चाहिए ना तरसेम जी। खाद लंगा लग रही थी आज, मैं कुछ क्षेत्र मंडी में गया, लंगा लग रही, मेरा हाहाकार मच रहा था दुकान के ऊपर। क्या बोला गया आपको बिक्री केंद्र पर? बिक्री केंद्र पर आपको क्या बोला गया? मैं तो वहां तक नहीं दिया किसी ने, पहली लाइन लग रही
वो डीलरों को देने लग रहे थे। आप किस विधायक की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि विधायक के पास ही एजेंसी है, नाम बताइए। यूरिया खाद की दुकान है जिनकी, नाम बताइए। नाम क्या बताए जी अब इसका, हमारे पे कार्रवाई कर देंगे, नहीं कुछ और कुछ और पंगा पा देंगे। आपने शिकायत नहीं की कहीं पर भी कि हमें खाद नहीं मिल रहा? नहीं कहीं कहाँ करा जी शिकायत, शिकायत वाला तो दौड़ ही हो रहा सारा। सर प्रदेश के मुखिया ने एक खिड़की खोली हुई है सीएम विंडो नाम की, वहाँ गए थे आप? वहाँ भी कुछ नहीं बन रहा जी। गए थे कि नहीं वो बताइए पहले। कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं, अंधेर कर दी चौपट राजा हो रहा था। चले बहुत शुक्रिया सर, लेकिन कुछ नहीं है कहने से ज्यादा अच्छा है कि कुछ हो इसके लिए आप और हम प्रयासरत हो जाएं। अगर ऐसी कोई खिड़की खोली गई है, कोई ऐसी विंडो है जहां शिकायत हम डाल सकते हैं, हमें डालनी चाहिए, आगे जवाब देना होगा एक्शन लेने या ना लेने वालों को। इनकी तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। क्यों दूर नहीं हो रही है खाद की किल्लत, कब तक बनी रहेगी या परेशानी किसानों के लिए मुसीबतों की, क्या ये है एक और नई कहानी? जब गेहूं को बोया तो डीएपी को लेकर परेशान हुए, अब खाद नहीं मिल रहा, कह रहे यूरिया मिल ही नहीं रही है, बिक्री केंद्रों पर यूरिया आती तो जरूर है लेकिन चहेतों को दे दिया जाता है और हमें बैरंग लौटा दिया जाता है। सुबह तड़के ही 4-5 बजे से हम लाइनों में लग गए होते हैं, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं कतारों में, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। फसल को क्या कहें कि यूरिया नहीं मिल रही है, तू अपने आप ही पौष्टिक हो जा, तू अपना भरण पोषण खुद देख ले। अब किसान इस तरह के सवाल उठाने लगे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए। प्रशासन आखिर मामले में कोई सुध क्यों नहीं ले रहा है? ये यूरिया जो किसानों को नहीं मिल रही है, ये गई कहां? कैसे खेती करेंगे किसान? अगर डीएपी और यूरिया के लिए इतना परेशान होना पड़ेगा तो फसल कैसे उपजेगी, कैसे मंडियों में आएगी और मंडियों के बाद वो आपकी और हमारे घरों में हमारी थाली तक पहुंचेगी? बड़ा सवाल है। कॉल कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। अगर खाद समय पर नहीं मिला, फसल अच्छी नहीं होगी तो महंगाई एक स्केल और ऊपर चली जाएगी। अब जेब पहले ही जो फट गई है बढ़ती महंगाई की वजह से, कमर टूटी हुई है, वो और टूटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ज्यादा जरूरी ये है कि यूरिया पर हाहाकार खत्म हो, यूरिया को अवेलेबल कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए इन किसानों को। आपको क्या लगता है? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी, क्या लगता है? ब्लैक मार्केटिंग एक वजह है कि यूरिया की जो किल्लत है वो एकदम से आ गई? यूरिया के स्टॉक को लेकर भी बात होनी चाहिए यहाँ पर। प्रशासन मामले की सुध कब लेगा? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं? कैसे खेती करेंगे किसान ऐसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां हम सवाल लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपके जहन में कोई और सवाल उठ रहा हो तो आप भी उसे यहाँ गिना दीजिए, इन तमाम सवालों में शुमार कीजिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। आप सबों की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है, आपकी राय, आपके विचार इस कार्यक्रम की सार्थकता। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। यूरिया पर हाहाकार, आखिर जिम्मेदार कौन है? कब खत्म होगी यूरिया खाद की किल्लत? ये यक्ष प्रश्न हो चला है क्या, जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा? यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी, क्या लगता है आपको? जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में, अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। प्रशासन कब लेगा मामले की सुध? कैसे खेती करेंगे किसान? क्यों दूर नहीं हो रही है खाद की किल्लत? क्या भ्रष्टाचार की बू आ रही है आपको? कालाबाजारी की बू आ रही है क्या? ये यूरिया का स्टॉक गया तो गया कहां? क्यों यूरिया अवेलेबल नहीं करवा पा रही है सरकार इन किसानों को, जो लंबी लंबी कतारों में घंटों बैठे रहते हैं, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और शाम ढलने पर वापस लौटते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलता? इन किसानों का क्या कसूर है? इन किसानों के लिए सरकार के पास क्या जवाब है? यूरिया पर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? ये सरकार का काम है पता लगाना, लेकिन अभी तक हैरानी होती है कि कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया। सिरसा से सूरज भान ने फोन किया है, सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार।
पहले तो डीएपी की मारामारी थी, अब यूरिया की मारामारी है, सरकार जानबूझ के ये सारा खेल करवा रही है मैम। खाद की कोई कमी नहीं है, ब्लैक हो रहा है जगह जगह, शहरों आ रहे हैं, रैंक पे रैंक आ रहे हैं, प्राइवेट वाले जो अधिक पैसे देते हैं उनको खाद मिलता है, सीधे साधे जमींदार को सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं मैम इस सरकार में, इससे ज्यादा और क्या बुरा हाल होगा। अब तो ये खेती बगैर खाद के खत्म हो रही है, आगे आने वाले मंडियों में फज्जत करेंगे ये जमींदार की, इनका तो भगवान ही भरोसे है जी ये सरकार तो। धन्यवाद, भगवान भरोसे सरकार जो लगातार हो रही परेशानियों को दूर नहीं कर पा रही है, ये कहना है इनका। बहुत शुक्रिया, आगे भी जुड़ेगा इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। सुभाष मलिक जुड़ गए, सुभाष जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी, पहले तो मेरी हरियाणा न्यूज को नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऐसा जी, ये तो जो काला बाजारी हो रही है और ये मेरी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जी, अगर ये खाद की काला बाजारी हो रही है तो 2.5 किलो यूरिया, 2 किलो जिंक का स्प्रे करें तो 2 करते हैं वो भी 20 किलो मकान चला देते हैं जी। ये लाइन में लगने की बजाय सुबह लाइन में लगते हैं, शाम तक लगे रहते हैं, इसलिए अच्छा तो ये अपना मेहनत करने के इतना बढ़िया है। तो 2.5 किलो यूरिया, 2 किलो जिंक का सप्रा करो, 1 हफ्ते के बाद फिर वही काम कर दो। कब तक कालाबाजारी करेंगे, ये किसान को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। सुभाष मलिक की तरह आप भी फोन कीजिए, बहुत कम वक्त बचा है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। समापन की तरफ जा रहे हैं हम कार्यक्रम के। यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी, क्या लग रहा है आपको? यूरिया क्यों नहीं मिल रही है किसानों को? नारेबाजी करने को आतुर क्यों किसान? ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि नारेबाजी करनी पड़ रही है? क्या खाद की इतनी किल्लत हो गई है हरियाणा में या कालाबाजारी हो रही है? क्या आपको भ्रष्टाचार की कोई गंध आ रही है? यहाँ से भ्रष्टाचार को आप देख पा रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार की बू आप तक पहुंची क्या? कैसे खेती करेंगे किसान ऐसे में जब डीएपी और यूरिया ही उनको उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा? क्यों नहीं दूर हो रही है खाद की किल्लत? किल्लत है या कालाबाजारी? किल्लत होती तो अब तक तो इसे कंट्रोल कर लिया गया होता। यह अलग बात है कि कहा जा रहा है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, तो फिर ये नारेबाजी करने वाले किसान कौन है? फिर कतारों में बैठने वाले किसान कौन है? घंटों सुबह से लेकर लाइन में लगने वाले किसान कौन है? क्यों इन्हें खाद से वंचित रखा गया है? इसका जवाब भी सरकार को दे देना चाहिए। यूरिया पर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? क्या लगता है आपको? जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। यूरिया पर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? ये हमारा आज का पहला सवाल। कब खत्म होगी यूरिया खाद की किल्लत, यूरिया की किल्लत या कालाबाजारी? क्या लगता है आपको, क्या है ये किल्लत या ब्लैक मार्केटिंग? प्रशासन कब लेगा मामले की सुध? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक कोई खास एक्शन लिया गया है नहीं। कैसे खेती करेंगे किसान इस तरह के हालात में, ऐसे सिनारियों में, ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में? किसानों के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो गया क्या खेती कर लेना? क्यों दूर नहीं हो रही है खाद की किल्लत? ये कई ऐसे अहम सवाल जिसका जवाब हम यहाँ पर तलाश रहे थे। इन सवालों को आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, क्या जवाब आपको समझ में आता है आप खुद ही तय कीजिए, फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।